हेलो फ्रेंड, मैं कैरियर गेटर कोचिंग से सुशील लखेरे आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर आया हूँ। मुझे लगा ये वीडियो मुझे डालना चाहिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार देखने को मिलता रहा निरंतर जैसे ही अपनी ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई, बच्चा काउंटर पे आया करे और एक क्वेश्चन जो मोस्टली सभी बच्चों की जबान पे था, वो क्वेश्चन था कि सर स्टार्टिंग से बैच कौन सा स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग अपना तो वहाँ चल रहा है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। नहीं सर, अभी स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो मैंने कहा क्यों, कि सर वो 4-5 महीने में हम तो सब भूल गए लॉकडाउन में। तो हमने कहा लॉकडाउन में किया क्या? तो कुछ नहीं सर, मुझे पता है कि कितना काम रहता है स्टूडेंट लाइफ में। जो काम अपन को दिनचर्या के लगे रहते हैं वो तो लॉकडाउन में भी होते हैं, पहले भी होते हैं, लेकिन लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ कि 4-5 महीने में सब भूल गए? तो ये एकदम मैं सोचता रहा, हम लोग भी बहुत सारा कुछ सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि 4-5 महीने में बच्चा बिल्कुल भूल ही गया। भाई जो पढ़ा था वो उसका रिवीजन तो चलता रहता ना निरंतर, लेकिन नहीं, हम भूल गए, हमें स्टार्टिंग से बैच चाहिए। तो बस यही सब बताने वाला था कि आप ऐसा इस बार ऐसा कुछ ना करें, जब भी हमारी ऑफलाइन क्लास चालू हो तो बच्चा यहाँ से पढ़ रहा था वहाँ तक तो अपना पूरा अपडेट रखे और निरंतर पढ़ता रहे घर पर और रिविजन करता रहे जो चीज़ उनकी, जितना पढ़ लिया। मैं कहाँ कह रहा हूँ आगे पढ़ो, आगे का स्रोत नहीं है आपके पास, किसी के पास नेट नहीं है, किसी के पास फोन नहीं है। अरे अपना जो क्लास में पढ़ाया गया उसके नोट्स तो है ना आपके पास, बस वो नोट्स को लेकर बैठना है घर पे, बराबर कुछ नहीं करना है, उनका रिवीजन करते रहो जब तक अपनी ऑफलाइन क्लास चालू नहीं हो रही। तो क्या होगा जब अपनी ऑफलाइन क्लास चालू होगी, तो ऑफलाइन क्लास में आपको फिर से गिनती नहीं पढ़नी पड़ेगी एक से, भाई जहाँ तक हम पहुँच गए वहाँ से ही पढ़ना है आपको आगे, क्योंकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप रिवीजन कर लोगे घर पे आराम से। तो बस इसीलिए ये मैं वीडियो डालने वाला था आज, बताने वाला था कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे हैं लॉकडाउन है बढ़िया उनकी मूवी चल रही है उनके फ़ोन में, कोई फेसबुक में लगा है, कोई व्हाट्सएप में लगा है, कोई इंस्टाग्राम में लगा है, कोई कहीं लगा हुआ है। तो वो सब गलतियाँ नहीं करनी है। अगर फेसबुक पे आप कुछ चीज़ सर्च कर रहे हो, फेसबुक चलाना मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हो या कोई चीज़ आप देख रहे हो तो वो चीज़ आपके मतलब की होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो तो आपके पढ़ाई से संबंधित, या कोई कुछ ऐसा देख रहे हो जो आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो काम देने वाला है तो आप देखिए, लेकिन देख मोबाइल खोल के सिर्फ पेज पलटने से कुछ भी नहीं होने वाला, समय बर्बाद कर रहे हो आप। ये कहीं ना कहीं आप जो समय बर्बाद कर रहे हो तो ये समय लौट के नहीं आने वाला, ये तो आप 50 बार आप खुद ही जानते हो। इन बातों को दोहराने से कोई मतलब नहीं, समय भी उसको ही समय देता है जो समय की कदर समझता है। समय अगर ऐसे निकालते जाओगे ये समय लौट के नहीं आएगा। तो मैं भी फेसबुक चलाता हूँ, मैं भी चलाता हूँ व्हाट्सअप, लेकिन बस जब जरूरत पड़ने पर। बहुत सारे बच्चे मुझे फेसबुक या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं तो मैं देखता हूँ 4 या 5 दिन में मैं उनकी रिप्लाई भी दे पाता हूँ, क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ, मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं है कि मैं उनको निकाल के देखूं और करूं। क्योंकि आपके आपके लिए पढ़ाई के लिए आपके पास समय है, मतलब समय आपको निकालना है, मुझे अपने काम के लिए समय निकालना है, मुझे आपके लिए मटेरियल निकालना है कि आपको कैसे प्रोवाइड कराना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ों की आपकी व्यवस्था बना के चलना है, मेरा मैनेजमेंट कहीं रहता है। तो इसीलिए मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। मैं अगर इन सब कुछ चीज़ों को टाइम देने लगूंगा तो मैं नया कैसे सोचूंगा कि मैं एक नया आपके लिए ऐसा क्या करूं जिससे आपकी जो स्टडी है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो इस कोचिंग पे, उससे आपकी और सरल मार्ग से होते हुए आपके पास वो पहुंच पाए और अच्छे से हम आपको अपनी चीज़ें प्रोवाइड करा पाएँ। तो बस अपना समय अच्छी चीज़ों में दो, अच्छे काम में दो, जहां आपका आपका फ्यूचर बन रहा है उन सब चीज़ों में अपना समय दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। कहीं ना कहीं आप लोग लॉकडाउन में पिछली बार भी जो गलतियाँ की इस बार बिल्कुल ना करें। कुछ बच्चे की प्रॉब्लम रहती है, सर आप सुबह इतनी जल्दी कोचिंग आ जाते हो आप लोग, हमें तो सो के ही नहीं जाग पाता। तो उन बच्चों के लिए फ्री एडवाइस है, सोकर सुबह कोई भी जाग सकता है, कभी भी जाग सकता है, बस समस्या ये है कि अपने ऊपर दबाव नहीं है, अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है। अरे आज नहीं सो के जाग पाए कोई दिक्कत नहीं, कल सो के जागोगे, ये सब रहता है ना माइंड में कि सो के नहीं जागेंगे सुबह जल्दी तो क्या हो जाएगा, कोई हमें खा जाएगा क्या? जब तक ये डर नहीं रहेगा ना माइंड में, सो के क्या कभी सुबह क्या शाम को भी नहीं जाग पाओगे, एक डर होना चाहिए, डर होना चाहिए कि हमें 3 बजे रात को जागना है तो 3 बजे ही आँख खुल जाए, 12 बजे जागना है तो 12 बजे आँख खुल जाए, मतलब
ऐसा कब जब होगा जब आपके माइंड में वो चीज़ चलेगी और एक हल्के में लेके चलोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। यही सब गलतियां बराबर करते रहोगे जो निरंतर कर रहे हो आप। जैसे सुबह जागना है आपको 4 बजे, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक माइंड में रख लो कि मुझे सुबह 4 बजे जागना है, और मुझे अगर मैं आज नहीं जाग पाता हूँ, मैंने एक मोटिवेशन वीडियो में देखा था जिसमें टाइम मैनेजमेंट को लेके बताया गया था कि वो बंदा पता क्या करता था, वो बंदा क्या करता था कि जैसे कि वो सुबह नहीं जाग पाया, वो सुबह नहीं जागता था तो उसको पैसे से बहुत प्यार था, पैसे से तो सभी को प्यार रहता है, आपको भी है मुझे भी है, तो अपनी हैसियत के हिसाब से वो सुबह पैसे फाड़ देता था अगर जिस दिन नहीं जाग पाता था उस दिन। जैसे सुबह आपने 4 बजे के सोचा 4 बजे जागना है और 4 बजे नहीं जाग पाया आप, तो आपको क्या करना है, अपनी वो प्यारी चीज़ पैसा है पैसा फाड़ दो, अपनी हैसियत के हिसाब से 5 10 रुपये 15 रुपये का नोट फाड़ दो। अब क्या होगा, माइंड में एक दर्द, जो दर्द है कि पैसा चला गया 10 का नोट चला गया, अरे यार ऐसा एक बार कर लिया आपने, दो बार कर लिया, गारंटी ले रहा हूँ 4 बजे छोड़ो 3:30 बजे आँख खुल जाया करेगी और नींद भी नहीं आया करेगी, कि अगर नींद आई तो अभी फाड़ना पड़ेगा ना। तो ऐसा कर लो, जागने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, कैसे भी जाग लो, जैसा भी आपको अपने हिसाब से ढल जाओ उस हिसाब से कर लो। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उन चीज़ों पर ध्यान दिए कि अपना समय बर्बाद ना करें, लॉकडाउन के समय अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें और लगे रहें पढ़ाई में, और किसी भी माध्यम से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोचिंग निरंतर आपके साथ है, अभी भी लॉकडाउन में भी साथ है, आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का हम लोगों को कॉल कर सकते हैं, वो हम आपको उचित समय पर उसका रिप्लाई करेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो जो हम लोग डाल रहे हैं समय समय पर अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में या कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, उन क्वेश्चनों का हम आंसर दिया करेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।